धर्मशास्त्रम् सहज शुचि कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानम सर्वात्मवान स्थिरचर हितकृच्छे मुषी आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्या सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुमृतमृतं ब्रह्ममुहूर्तं प्रपद्ये। मायाच्छाया वराकी कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वम् द्रविहरिहरा अंतवहनेष्टलिंगा अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनपुनातु। ओ अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से चरणों में विनम्र प्रणत अर्पित करता हूं। वास्तविक प्रश्न जीवन से ही उभरते हैं। जीवन जीते हुए जिन जिन समस्याओं में हम उलझते रहते हैं, उन्हें सुलझाने की चेष्टा क्रम में ही हमारे प्रश्न निर्मित होते हैं। हमारा संकोच हमें इन प्रश्नों को मुखरित करने से रोकता है, किंतु गुरु के सामने यानी दुराव छिपाव किया जाए तो गांठें खुलती नहीं, बंधी ही रह जाती हैं। इसलिए सहज भाव से आज मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के समक्ष उन प्रश्नों को प्रस्तुत करता हूं जो हम सबको परेशान करते होंगे। प्रश्न ही स्तर से कर सकते हैं, किंतु रूढ़ी एवं परंपरा के अंतर को जानने का रूढ़ियां भी समय के अनुसार उपयोगी होने के कारण ही लाई गई थी। उनका कोई तात्विक आधार नहीं होने से ही उनको रूढ़ी कहते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन भी करना चाहिए, नए संस्कार भी उनके होने चाहिए। अब प्रश्न ये है तो उनको छोड़ा कैसे जाए या बदला कैसे जाए, तो इसके लिए उग्रता का जो उपाय है वो बहुत उपयोगी नहीं है। संसार में बच्चे पैदा होंगे, पुराने लोग भी रहेंगे, सबकी बुद्धि एक सरीखी नहीं रहेगी। तो यदि बलात् रूढ़ियों को तोड़ा जाए या छोड़ा जाए तो उससे एक प्रकार का मन में उग्र भाव का भी उदय हो सकता है। ईसा ने प्रयास किया था यहूदी रूढ़ियों को तोड़ने का। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद जी ने भी रूढ़ियों को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था। महात्मा गांधी ने भी यही प्रयास किया था, परंतु एकाएक जनता उसको स्वीकार नहीं कर सके। इसलिए बहुत मृदु रीति से इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। धीरे धीरे
समझाते भी चले और उनकी जो अनुपयोगिता है तो लोगों के ध्यान में लाने और स्वयं रूढ़ियों का अनुसरण न करें। पहले यदि बुद्धि में फर्क आ जाए, बुद्धि समझने लग जाए कि ये रूढ़ी उचित नहीं है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और यदि बलात् उग्रता से उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो वो कभी कभी अपने लिए अच्छा फल लाने वाले नहीं होंगे। पहले लोग समझ जाएं ये शास्त्र नहीं है, तात्विक आधार पर नहीं है, केवल लौकिक है। वैसे मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि वेदों में भी लोकाचार का बहुत महत्व है। उपनिषद में तो एक स्थान पर बताया कि लोग जब कहते हैं कि यह धर्म की बात कह रहा है तो उसको सत्य समझना चाहिए। सत्यम ब्रुवंतम धर्मम ब्रवीति इति आहुः। जब कोई सच सच बात कहने लगता है तो लोग बोल पड़ते हैं कि ये धर्म की बात कह रहा है। तो लोगों का उदाहरण दे करके धर्म समझाया गया है। ऐसे वेद बोलता है कि सुश्रुम पूर्वे शाम येन स्तद व्याचक्षिरे येन स्तद विचक्षिरे। ईसावास्य उपनिषद में, केन उपनिषद में, कठ उपनिषद में कुछ शब्द बदल करके ये बात आई है कि ये हमारे पूर्वजों से चली आई बात है। तो एक रूढ़ी को तोड़ने में भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। हमारे बाबा बोला करते थे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। शुद्ध है परंतु लोक विरुद्ध है तो उसका आचरण मत करो। मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी ऐसा आया है, तो लोक विद्विष्टम धर्ममप्याचरे नत। यदि लोक दृष्टि के, प्रजा के, जनता की दृष्टि से वो बात अनुकूल न पड़ती हो तो उसको नहीं करना चाहिए। माने समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर, अब आप एकाएक आदिवासियों में चले जाओ और उनके जो परंपरागत आचार हैं और उनके जो भूत प्रेत हैं, उनके जो वन के देवता हैं, उनकी निंदा करने लगो, ये झूठे हैं, तो वो तुमको ही वहां से निकाल देंगे। परंतु धीरे 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 यदि उनको आत्मसात कराया जाए तो कर भी लेते हैं। एक आपको मजेदार बात सुनाता हूं। पुरी में एक राजा था, जगन्नाथपुरी में। वो संस्कृत नहीं जानता था बिल्कुल, और उसका पुरोहित भी वैसे ही था। तो पुरोहित ने उसको शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम इस श्लोक का अर्थ समझाया था कि इसमें दही का वर्णन, और शुक्ल है ना उसका, हाँ शुक्ल है, शशिवर्ण है और बहुत प्रिय है सबको। तो राजा को ये अर्थ समझा के और उसने कह दिया कि अर्थ किसी दूसरे को मालूम नहीं है,
मैं ही आपको बता रहा हूं। अब कोई पंडित आता उसके यहाँ तो राजा पूछता कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो पंडित बेचारा दही का अर्थ तो जानता ही नहीं था। वो समझता कि देखो विष्णु भगवान हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। राजा कहता गलत, शशि वर्णम चंद्रमा के रंग के हैं माने सफेद हैं, गौर गौर हैं। तो ये बात भी राजा नहीं मानता था। सब पंडितों को फेल, किसी को पुरस्कार नहीं मिले। अब एक पंडित की बुद्धि में ये बात सूझ गई, वो राजा के पास रुक गया। तो महाराज हमको कुछ देने लेने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ी सी संस्कृत पढ़ लो। अब उसने जो आई उण से शुरू कराया कौमुदी, थोड़े दिनों में राजा की समझ में संस्कृत आने लगा। और जब आने लगा तब एक दिन उसने शुक्लाम्बर धर्म बताया कि इसमें दही कहाँ है बताओ। तो उसमें दही तो है ही नहीं, उसमें तो विष्णु भगवान है, श्वेत द्वीप वासी अनिरुद्ध मूर्ति, वो पीतांबर नहीं पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, ये विष्णु का रूप है, शुक्लाम्बर धर्म। और शशि वर्णम वो अनिरुद्ध जो है वहां विष्णु, वे गौर वर्ण के हैं। राजा की समझ में बात आ गई, बात आ गई तो समझ गया कि पहले जो हमको बात कही गई थी वो सही नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे क्रम क्रम से लोगों की बुद्धि में ये बात सुझानी चाहिए, और जो नई पीढ़ी है उसको पहले से ही इसके लिए तैयार करना चाहिए। और यदि बड़े लोग उसके अनुसार करने से प्रसन्न होते हों तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए उनके सामने वैसा कर भी लेना चाहिए। तो वो रूढ़ी रूढ़ी के कारण यदि हम लोगों को बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता हो तो उससे भी वंचित नहीं होना चाहिए। तो बड़े बूढ़ों को नम्रता से मनाओ, और जो जवान हैं उनको समझा बुझा के तर्क युक्ति से मनाओ, जो बच्चे हैं उनको आरंभ से ऐसी शिक्षा देना प्रारंभ करो, और जो उन रूढ़ियों में जड़ हो गए हैं उनके ऊपर एकाएक आक्रमण न करके धीरे धीरे उनके साथ मिलजुल के उनको समझाना चाहिए। और रूढ़ियां यदि हानिकारक हो, बहुत हानिकारक हो, तो तत्काल समझाओ, और यदि तत्काल हानिकारक न हो तो उनके टूटने में यदि विलंब भी लगे तो कोई हर्ज नहीं है। काम सब समझदारी से करना चाहिए, विवेक छोड़कर आवेश में आकर नहीं करना चाहिए। वैसे दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं। एक श्लोक आपको और सुना देता हूं, ना मंत्र मक्षरम किंचित, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। कम नमः, गम नमः, घम नमः, ये भी मंत्र होते हैं। और नानौषधि वनस्पति, ऐसी कोई घास नहीं होती, जड़ी बूटी नहीं होती जिसमें किसी न किसी रोग की दवा न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जो किसी काम के योग्य न हो। सब में कुछ न कुछ योग्यता रहती है। योजकस्तत्र दुर्लभा, उसका ठीक ठीक अक्षर का मंत्र के रूप में, जड़ी बूटी का घास का जड़ी बूटी के रूप में, और पुरुष का उसकी योग्यता के अनुसार प्रयोग करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। नहीं तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है या क्रिया नहीं है जिसका कहीं न कहीं उपयोग न हो जाता हो। जरा शांति से, अनुकूल दृष्टि से उससे भी लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और जब टूटेगी टूटेगी, जब तक है
जब तक उसको भी अनुकूल दृष्टि से देखकर उससे लाभ उठाओ। यदि कोई भूत से डर कर चोरी छोड़ रहा हो तो उसको भूत से डरो, डरने दो, चोरी तो छूटेगी। और ये कहो कि सब बुद्धिमान हो जाए, तो ऐसा तो सृष्टि के आरंभ से अब तक और आगे भी न कभी हुआ है न होगा कि दुनिया में सब संपन्न हो, सब सुखी हो, सब बुद्धिमान हो। ये तो एक कल्पना की बात है। विकासक क्रम से जो जिस भूमिका में हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और आपकी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है तो थोड़ा आत्मबल का प्रयोग करो, आप अपने को ही उससे बचाओ। साधु लोग तो बड़े कट्टर बोलने वाले होते हैं, वो आपे लीपे आपे पोते आपे काढ़े होई, औधी पढ़ के बेटा मांगे अकल राण पे कोई। अच्छा हाँ, यज्ञोपवीत, संध्या वंदन, गायत्री जप, प्रदक्षिणा तथा अन्य दैनिक धार्मिक क्रियाओं की उपयोगिता समझाएं, जिससे युवा वर्ग प्रातः काल जो हम सोते रह जाते हैं ये हम प्रकाश का अनादर करते हैं। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जब हम नींद से उठते हैं और शीतलता होती है वातावरण में और वासनाओं का आवेश नहीं होता है, तो उस समय हम जो चिंतन करते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तये, दो घड़ी रात रहते ही उठ जाएं और सोचें कि आज कितने लोगों को क्या लाभ देना है। पहले धर्म की बात सोचनी चाहिए कि आज इतना दान करेंगे, आज इतने लोगों को दो गिलास पानी पिलाएंगे अपने हाथ से, और कैसा कोई कठिन प्रसंग कठोर प्रसंग आ जाएगा बोलेंगे, कोई जीवन में झूठ बोलने वाला, कोई चोर आ जाएगा, कोई अनाचारी आ जाएगा, उसके सामने भी हम अपने हृदय को अपनी वाणी को काबू से बाहर नहीं होने देंगे। और आज हमारी कमाई की योजना क्या है, धर्मार्थावनुचिन्तये, अर्थ का चिंतन करना चाहिए कि आज हम संपदा के लिए, अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए, दूसरों के अर्थ के लिए भी क्या क्या करेंगे। और कायक क्लेशांश्च तन मूलान, हमारे शरीर में क्या क्या रोग है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी, क्या खाने से रोग बढ़ता है और क्या छोड़ने से रोग घटता है, क्या करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, ये सारी बात प्रातः काल सोच लेने से। तो कहते हैं अपने यहाँ कि यदि कोई गंदा कपड़ा पहने कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम और दांत साफ न करे, बहवासिनम खाए बहुत और बोले निष्ठुर, निष्ठुर भाषिणम सूर्योदय शाइनम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो विमुंचति श्री रवि चक्रपाणि, तो लक्ष्मी जी नारायण को भी छोड़ देंगी, औरों की तो बात ही क्या है।
अपने जीवन में जिससे आलस्य की निवृत्ति होती हो उसके लिए प्रातः काल उठना और वासनाओं के आवेश आने से पहले हित हित की बात सोच लेना, स्नान करके जो बचा खुचा आलस्य हो जीवन में उसको मिटा देना, और सारी सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है उसके साथ हमारा संबंध बना रहे। हम मनुष्यता छोड़कर किसी के मित्र न बन जाए और उसके लिए पक्षपात में बुरे काम करने लग जाए। हम मनुष्यता छोड़कर किसी के शत्रु न बन जाए, इसके लिए समग्र विश्व सृष्टि के साथ अपना संबंध जोड़ करके रखना पड़ता है, और उसके लिए सर्वोत्तम वस्तु है ईश्वर का संबंध, जो सबका पिता है, जो सबका संचालक अंतर्यामी है, जिसकी शक्ति से हम काम करते हैं। आप देखो जिस हवा में आप सांस लेते हो उसका क्या बिल चुकाते हो, पंखे का बिल तो चुकाते हो, जिस सूरज की रोशनी में देखते हो उसका क्या बिल चुकाते हो, जिस वर्षा का जल काम में लेते हो उसका क्या बिल चुकाते हो। हालांकि म्युनिसिपैलिटी का बिल, पानी का, रोशनी का, हवा का, सबका चुकाते हो, पर जो ईश्वरीय अथवा प्राकृत पदार्थों से जो लाभ लेते हो उसके प्रति आपके मन में कितनी कृतज्ञता है और उसके लिए आपका हृदय कितना उन्मुख है, इस पर भी तो विचार कीजिए। हमारे जीवन में कृतज्ञता नहीं आनी चाहिए। और ये जो हम संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं, एक एक क्रिया उसकी देखो, स्नान कैसे होता है, सूर्य मंडल से अमृत की धारा हमारे ऊपर गिर रही है और वो भीतर भी घुसती है और बाहर से भी हमारी एक एक रग को जगा देती है और पवित्र बना देती है। जब हम सृष्टि की परंपरा का ध्यान करते हैं, यथा धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये ईश्वर का संकल्प सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षम अथो स्वः, ये सारी विश्व सृष्टि ईश्वर के संकल्प में है। जैसे हमारी योजना हमारे संकल्प में होती है, हमारे हृदय में होती है, वैसे ये सारी सृष्टि की योजना ईश्वर के संकल्प में है, ईश्वर के हृदय में है। हम सब लोग ईश्वर के हृदय में रहते हैं, ये हमारा निवास स्थान है। कहाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांडों सहित ये संपूर्ण प्रकृति जिस परमेश्वर के संकल्प में है, जो हमारे एक एक वस्तु में, कण कण में, क्षण क्षण में, कोण कोण में परिव्याप्त हो रहा है, उसके साथ अपना संबंध बना रहे, तो हम किसी छोटी छोटे घेरे में, छोटी कारा में आबद्ध नहीं होंगे। हमें हमारी जातीयता मानवता को भ्रष्ट नहीं होने देगी, हमारी सांप्रदायिकता सच्चे धर्म को छुड़ा नहीं सकेगी, वो हमारा हमारी जातीयता मानवता से विमुख नहीं करेगी। हमारी पार्टी शुद्ध राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता से विमुख नहीं करेगी। हमारा भाषावाद ज्ञान का तिरस्कार नहीं करेगा। हम स्वदेश का हित चाहेंगे, साथ साथ विदेश का हित न हो, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए ईश्वर के साथ अपना संबंध, अपने हृदय को बनाने के लिए और ठीक रखने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन में गलती भी होती है, उसके लिए संध्या वंदन के समय संकल्प करते हैं कि जद रात्रि पापम अकार्षम हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा, जो हमसे रात में गलती हुई है वो मिट जाए, और जो हमसे दिन में हस्तदवलम पतु, और दिन में जो गलती हुई है वो हमारी गलती मिट जाए। जब हम आचमन करते हैं
हमारा हृदय शीतल होता है, मंत्र पढ़ते हैं पवित्रता का भाव आता है, प्राणायाम करते हैं हमारी क्रिया शक्ति जागृत हो जाती है, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नारायण प्रकाश का आदर करते हैं। जो नारायण अपने घर में सूर्य का प्रकाश आवे और वो सोता रह जाए। एक सज्जन से किसी ने कहा, भाई कब उठते और सोते? बोले, महाराज जब हमारे घर में सूर्य की किरणें आने लगती हैं खिड़की से, तब मैं उठता हूँ। अरे भाई कब आती हैं? कहा, हमारे घर की खिड़की तो पश्चिम ओर को है। तो नारायण, हाँ ऐसे प्रसंग आए हैं कि 11 बजे 10 बजे मैंने फोन करवाया है किसी के घर में, तो मालूम हुआ है कि बाबू अभी सो के उठे हैं और बाथरूम में गए हैं। 10 10 11 11 बजे तक ऐसे आलसी लोग कमाई भी क्या करेंगे नारायण। अरे रात को जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। जब हम सूर्य की ओर हाथ करके खड़े होते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्ट, जब हम बोलते हैं कि जितना जंगम और स्थिर ये सृष्टि है, सबके परम प्रेमास्पद आत्मा ये सूर्य है, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे करके जब हम वंदना करते हैं सूर्य की, तो क्या उत्तम संकल्प करते हैं। जीवे में सर्दस सतम, हम 100 बरस तक जिए, 100 बरस तक आनंद में रहें, 100 बरस तक प्रभ्रवाम, अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से बोलें। ये संकल्प रोज हम जब अपने जीवन में दोहराते हैं, गायत्री का जप कितना बढ़िया जप है, वो जगत को बनाने वाला प्रकाशमान देवता सवितुः देवस्य, उसका वो त्रिलोक स्वरूप भूर्भुवः स्वरूप जो वर्णीय तेज है, उसका हम चिंतन करते हैं, जिसके तेज में ये सारी सृष्टि समाई हुई है और वो हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही रहकर हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है। ऐसे उत्कृष्ट भाव, ऐसे उत्कृष्ट विचार, ऐसे उत्कृष्ट संकल्प जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन में जो दुराचार है, दुर्भाव है, दुर्गुण है, उसको मिटाने की जो भावना है वो दृढ़ हो जाती है और हमारा जीवन अपने लिए भी दूसरों के लिए भी पवित्र हो जाता है। यज्ञोपवीत ग्रहण करते हैं उस समय खाद्या खाद्य, हम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक एक सज्जन थे, एक महात्मा से एक दिन बोले, ये खाने पीने में क्या लगा है, क्या रखा है, हम चाहे जो चीज खा सकते हैं। तो बोले कि अभी हम नाम लेते हैं, अमुक चीज बिस्टा खाओगे? बोले नहीं। जब एक जगह तुमको नहीं करना ही पड़ता है, एक जगह तुमको नहीं करना ही पड़ता है, तो पहले से एक मर्यादा ही बना लो ना कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, और मनुष्य के जीवन में नियम रहेगा तो वो पशुत्व से तो बचेगा, ये भोगेंगे ये नहीं भोगेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये लेंगे ये नहीं लेंगे, ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, यदि ये नियम हमारे जीवन में रहे कितना बढ़िया जीवन होगा वो आप इसकी कल्पना करें। तो ये हमारी जो संस्कृति की पद्धति है वो ठोस, हमारी नींव को ही ठोस कर देती है, जिससे हम जीवन में जहाँ कहीं भी रहें और बिल्कुल ठीक ठीक रहें, नहीं तो चाहे जो कर लेंगे, चाहे जो खा लेंगे, चाहे जो बोल देंगे, चाहे जिसकी जो चीज़ ले लेंगे, तो हमारा जीवन तो पशु के समान हो जाएगा। इसलिए एक व्यवस्था, इसके साथ जुड़ना आवश्यक है और तकलीफ सह के भी अपने नियम का पालन करना, ये हमारे जीवन को तपस्वी और संपूर्ण परिस्थितियों में उपयोगी और नारायण बिना पीड़ा के हमारा जीवन बीत सके, इसके लिए योग्य बना देता है। इसलिए प्रातः काल उठना, संध्या वंदन करना, देखो हमारे तो उठते हैं तो पहले पृथ्वी को ही हाथ लगा के प्रणाम करते हैं,
और पाद स्पर्शन क्षम स्वमय है ना, समुद्र वचने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षम स्वमय, हे पृथ्वी तुम मेरी माँ हो, मैं पाँव रख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, क्षमा करना। गणेश का स्मरण करते हैं, कितना उत्तम है गणेश का स्मरण, जिसमें मातृशक्ति केवल थी पहले, हो पहले शक्ति ही शक्ति थी गणेश में, बुद्धि नहीं थी। तब शंकर जी ने बुद्धि का सन्निवेश किया, केवल उमा की रचना थी शक्ति, और जब शंकर जी ने सिर जोड़ दिया उसमें तो बुद्धि आ गई। तो शक्ति और बुद्धि दोनों के रूप बन गए गणेश। गणेश का स्मरण माने केवल बल का प्रयोग मत करना, बुद्धि का करना, और केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अपने अंदर बल भी रहना चाहिए। तो ये सब एक एक बात इतनी समझ बूझ के जीवन के साथ जोड़ी गई थी। आप समझते हो, पूछते हैं तो हम ये क्यों करें, तो ये क्यों पूछते हो, पहले तो ये पूछो ना कि तुम्हारे पिताजी करते थे, तुम्हारी माताजी करती हैं, तुम्हारे दादाजी करते थे, दादी जी करती थी, अब तुम उसको क्यों नहीं करना चाहते हो। तो भाई संध्या वंदन के लिए समय नहीं है, तो क्यों, तो क्लब में जाना है, यही ना है, तो वहां जाके क्या करना है, तो जुआ खेलना है, तो वहां जाके खाना पीना है, वहां जाकर दुनिया की गप सप मारनी है, और वहां चाबी बदलनी है मोटर की, कमरे की, नारायण, ये सब तो आप करने के लिए आपके पास समय है, और जिससे आपके अंतःकरण का निर्माण हो उसके लिए आपके पास समय नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं, केवल बाहरी बातों में फंस गए हैं। इसलिए हम बहुत जोर दे करके ये बात कहते हैं कि ये जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, ये केवल हृदय की पवित्रता ही देती हो सो ही नहीं है, ये हमारी आयु को दीर्घ बनाती है, आयुष्य लंबा आयुष्य देती है, ये शरीर में बल देती है, नारायण निरोग रखती है, और हमारी बुद्धि को पवित्र करके उस सबके लिए हितकारी बनाती। ओम विश्वास करने वाले आधुनिक शिक्षितों के हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास किन युक्तियों द्वारा जागृत किया जाए? आज के बौद्धिक तथा वैज्ञानिक युग में बच्चों के हृदय में धार्मिक संस्कार कैसे डाले जाएं? महाराज श्री हमें कुछ शुभ उपाय बताएं। पहली बात तो ये है कि आप स्वयं जितने आस्तिक होंगे और ईश्वर पर जितना विश्वास करेंगे, और बच्चों के सामने जितनी ईश्वरोपासना की क्रिया करेंगे, उतने ही हमारे के मन में भी आस्तिकता और ईश्वर विश्वास आवेगा। और यदि आपको अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे और बच्चों से करवाना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप लोगों ने में से बहुतों ने नाम सुना होगा, काशी में एक पंडित मदन मोहन शास्त्री थे, सनातन धर्म के नेता, मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सनातन धर्म कॉलेज भी बनाया था उन्होंने। वे रोज आधा घंटा तक प्रातः काल संध्या वंदन किया करते थे, उनके दोनों बेटे भी उनके साथ बैठ के संध्या वंदन करते, बेटे तो हैं अभी यहाँ आते हैं नारायण। एक दिन शास्त्री जी 15 मिनट संध्या वंदन करके उठ गए, तो उस दिन तो दोनों बेटे बैठे रहे आधे आधे घंटे तक किया, दूसरे दिन वे 15 मिनट में उठ गए। तो शास्त्री जी ने पूछा, भाई तुम लोग आज 15 मिनट में क्यों उठ गए, क्या पिताजी आप कल क्यों 15 मिनट में उठ गए? बोले, हमको तो अदालत का कचहरी का बड़ा जरूरी काम था,
बोले हमें विद्यालय का स्कूल का बहुत जरूरी काम था इसलिए उठ गए। तो बालक जो हैं वो उपदेश अधिक नहीं मानते हैं, वे अनुकरण करते हैं। वे तस्वीर इतनी जल्दी बनावेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप उनको करके बताइए कि ईश्वर का विश्वास कैसा होता है। एक बात यह है कि आप स्वयं तो बच्चे से कहेंगे कि सामने आया है कोई, उससे कह दो कि पिताजी घर में नहीं है, है? और फिर बच्चे को उपदेश करोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा उसके जीवन पर। एक बात आपको सुनाता हूं, आप अपनी माँ को क्या प्रत्यक्ष देख करके कि ये मेरी माँ है मानते हैं? अच्छा, माँ को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये हमारे पिता हैं ये आप प्रत्यक्ष देख करके मानते हैं? कौन ऐसा है जिसने अपने पिता का अपने पिता को प्रत्यक्ष रूप से जाना हो कि ये मेरे पिता हैं? माता से सुनकर, लोगों से सुनकर पिता को पिता माना जाता है। अपने पिता का जन्म किसी ने नहीं देखा, न उसका कर्म देखा, न अपना पिता होते देखा, तो केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। ये भी एक मूर्खता की बात है। अच्छा, यदि कहें कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है तो अनुमान के बिना तो एक कदम चल ही नहीं सकता। हम वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है। और यदि शब्द पर विश्वास न करें कि ये सत्य बोल रहा है, तो न ग्राहक का काम दुकानदार से होगा, न दुकानदार का काम ग्राहक से होगा। शब्द पर विश्वास करना पड़ता है, जिसके बारे में लोगों का ख्याल हो जाता है कि इसका शब्द विश्वसनीय नहीं है, उस पर कोई भी व्यवहार उसके द्वारा चल नहीं सकता और छोड़ा नहीं जा सकता। अब एक युक्ति की बात देखें, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने समय का आदि और अंत देख लिया? इस काल की आदि में ईश्वर नहीं है और काल के अंत में ईश्वर नहीं है। किसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे को देख लिया जिसने कहा कि ईश्वर नहीं है? किसने एक एक कण को छान करके देख लिया कि ईश्वर नहीं है? अभी तो महाराज इतनी शक्तियां छिपी हुई हैं, एक एक अणु में ब्रह्मांड को फोड़ने की शक्ति है। अब इसका धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता जा रहा है, तो किसने देख लिया कि संपूर्ण शक्तियों के मूल में कोई शक्तिमान नहीं है? तो इसलिए जो लोग ईश्वर नहीं मानते हैं वो एकदम भावुक हैं, भोले हैं, किसी से सुनकर ऐसा मानने लगे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो भाई मेरे, पहले किसी से सुनकर मानो कि ईश्वर है, श्रद्धा करो। श्रद्धा के बिना आप रसोइये का बनाया भोजन नहीं कर सकते, आप डॉक्टर की दवा नहीं ले सकते, आप नाई से बाल नहीं बनवा सकते। यदि अपने हृदय में श्रद्धा विश्वास ना हो तो दुनिया का कोई भी काम चल नहीं सकता। तो आप इसी बात पर विश्वास क्यों ज्यादा करते हैं कि ईश्वर नहीं है? इस बात पर क्यों नहीं करते कि इतने त्यागियों ने, तपस्वियों ने, जोगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने इतना अनुभव करके नारायण और ईश्वर का वर्णन किया है और ईश्वर के ध्यान से लोगों को सुख मिला है, शांति मिली है। हमको तो सबसे बड़ा लाभ ये दिखता है कि हम जब साकार ईश्वर का ध्यान करके और उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं, प्रत्यक्ष माने हमारी मानसिक
गाढ़ता, ध्यान की ऐसी गाढ़ता हो जाती है कि हम एक अपने ध्यान की गाढ़ता से नया कृष्ण, नया राम, नया शिव, नया विष्णु बना करके देख सकते हैं। तो अपनी शक्ति का पता चलता है कि जब हम ईश्वर की मूर्ति भी अपने ध्यान के द्वारा बना सकते हैं, तो इस नए विश्व में भी एक नवीन रचना कर सकते हैं। और हम चाहे तो विश्वामित्र की तरह नई सृष्टि बनाने में भी समर्थ हो सकते हैं। तो ये जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयालु प्रभु का ध्यान है, उससे हमारे हृदय में ज्ञान की वृद्धि होती है, सर्वज्ञता आती है, उससे हमारे हृदय में शक्ति की वृद्धि होती है, उससे दयालुता होती है, उसके जीवन के प्रति अनंत आश्वासन प्राप्त होता है और मनुष्य पूरी दृढ़ता और आशा के साथ आगे बढ़ सकता है। एक सैनिक युद्ध भूमि में गिर पड़ा और नारायण उसके साथ और कोई नहीं, लेकिन उसको ये विश्वास था कि हमारा राजा बहुत श्रेष्ठ है, हमारा सेनापति बहुत योग्य है, हमारे पीछे कुमुकाती होगी हमारी मदद करने के लिए और सामने वाले को परास्त करने के लिए। वो हिम्मत के साथ लेटा रहा, उसकी हिम्मत बनी रही कि हमारे पीछे सेना है, सेनापति है, राजा है, और थोड़ी देर में उसको मदद मिली। यदि हमारे पीछे ईश्वर है और हमारी मदद कर रहा है, ये विश्वास हमारे जीवन में बना रहे, तो कितनी आशा, कितनी दृढ़ता के साथ बार बार पांव लड़खड़ाने पर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। नारायण, गिरना दोष नहीं है, दोष तो है गिर के न उठना और उठ के आगे न बढ़ना। इसलिए ईश्वर की शक्ति पर और करुणा पर और उसके ज्ञान पर विश्वास करके हम अपने जीवन में जितनी उन्नति कर सकते हैं, नास्तिकता से उतनी उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि नास्तिकता में केवल अपना बल होता है, केवल भौतिक बल होता है, और आस्तिकता में अभौतिक बल होता है नारायण। इसलिए ईश्वर का विश्वास जीवन में आवश्यक है। मैंने सुना, नाम तो याद नहीं है इस समय, कोई बहुत बड़ा नास्तिक था विश्व का, जिस पानी के जहाज में वो यात्रा कर रहा था, जब वो डूबने लगा और एक पल्ले पर, पल्ले के सहारे वो समुद्र में जब बहने लगा, तैरने लगा वो आदमी, तो उस नास्तिक से नास्तिक ने भी कहा कि हे ईश्वर, यदि तू कहीं है तो आकर मुझे बचा। तो हमारे दुख में, सुख में, हमारी निर्बलता में, प्रबलता में, रण में, बन में, सर्वत्र हमारी मदद करने वाली यदि कोई शक्ति है, तो वो हमारे हृदय में रहती है। उसके प्रति जो आस्था है, वो हमारा मंगल करने वाली है, हमारा कल्याण करने वाली है, बल देने वाली है, वो निर्बल बनाने वाली नहीं है, सूझबूझ देने वाली है। और हमारे मिट्ठू बाबू, जिनको मैं बोलता था, माँ जी के साथ मिट्ठू बाबू, वो कहती थी, मैं भी कहता था। एक थोड़े वर्षों की बात है, एक दिन में मेरे पास बैठे हुए थे दोपहर में 1 बजे के करीब, उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर बहुत सा टैक्स बाकी रह गया था, घर के लोग ज्यादा जानते होंगे। जब पतंजलि शास्त्री और कलकत्ता हाई कोर्ट के कोई जज नियुक्त हुए उनकी, उनसे जांच पूछ करने के लिए, तो बोले कि न तो मैं किसी वकील के पास गया, न तो कोई कानून की जानकारी प्राप्त की, ऐसे ही मैं उनके पास चला गया। उन्होंने पूछा कि तुमने टैक्स की चोरी क्यों की। मेरे मुंह से ईश्वर, जिस ईश्वर का मैं रोज ध्यान करता था, पूजा करता था, प्रार्थना करता था, उस ईश्वर ने मेरे हृदय में बैठ के बोल दिया मैंने चोरी नहीं की है। क्यों? हमारा बही खाता ज्यों का त्यों है,
जितना लाभ हुआ है सब लिखा हुआ है और हमने टैक्स चुकाया है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो सचमुच हमारे पास उतनी कमाई हुई है, टैक्स हमारे पास हमारे ऊपर पड़ता है, तो तब दिया क्यों नहीं? बोले कि ईश्वर ने हमारे मुंह से बोल के बताया कि स्वराज्य मिलने से पहले गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज सरकार को टैक्स मत, मैंने देश की स्वतंत्रता के लिए टैक्स नहीं चुकाया। बोले ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, मेरे मन में कोई भाव नहीं था, मेरे हृदय में बैठे हुए ईश्वर ने ये बोलकर मेरी जीभ से बोलकर कहा। और बोले अच्छा, देश की स्वतंत्रता के लिए तुमने टैक्स नहीं दिया है, तो लो तय करते हैं। और तय हुआ, इतने में तय हुआ, फिर इतने की किस्त बनी और वो सब फिर हो गया पूरा। वो उनकी आंख से आंसू गिरने लगते थे जब वो ईश्वर की चर्चा करते थे। ये नारायण जब कोई अंग्रेज जाने लगा और अपनी संपदा कैसे दे के गया वो बताते थे बड़े प्रेम से। सुखाड़िया जी ने ले जाकर कोटा में कितना रुपया दिया, कितनी जमीन दी, कैसे ये कारखाना चलाया। तो ये सब जब वो बोलने लगते थे भगवान की, ईश्वर की कृपा की बात, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आते थे, गदगद हो जाते थे। ये सब हमने अपनी आंख से देखा है, उनके मुंह से सुना है। तो हम तो जानते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको बड़ी शक्ति मिलती है, और जो अपने जीवन में दृढ़ता के साथ अपने नियम का पालन करता है उसका आत्मबल बढ़ता है। इसलिए यदि हम अपना जीवन इस ढंग का बनाएंगे तो जरूर हमारी नई पीढ़ी पर और हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा इसका। बस कौन हो, सुख दुख का अनुभव कौन करता है, कर्म को प्रेरित कौन करता है, हमारी संस्कृति की क्या कोई ऐसी देन है जिससे सुगमता से अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित रहते हुए हम अपना दैनिक जीवन जी सकें। महाराष्ट्र से अनुरोध है इस पर प्रकाश डालें। इसके लिए प्रातः काल उठकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और आज मुझसे कोई अनुचित कर्म ना हो, मन ही मन भगवान के चरणों का स्पर्श करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज हम कोई अनुचित कर्म नहीं करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अनुचित कर्म ना हो। सायंकाल जब सोने लगे एक बार सिंहावलोकन पीछे देख करके आज क्या क्या गलती हुई है उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और प्रायश्चित करने के लिए तैयार होना। और आगे ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि आगे हम ये काम नहीं करेंगे। तो नारायण, भारतीय संस्कृति तो अंतकरण का संस्कार करने के लिए है। ये बात आप ध्यान में रखें कि सरकारी कानून से सब काम नहीं चलता है, संविधान की ओर नहीं देखना चाहिए। एक राजा ने अपने राज्य में नियम बनाया कि प्रातः काल उठ करके सबको संध्या वंदन करना चाहिए और सायंकाल भी। वो स्वयं घोड़े पर चढ़ के घूमता था कि लोग कर रहे हैं कि नहीं। एक दिन देखा एक पंडित जी लोटे का पानी लेकर जंगल जा रहे हैं टट्टी करने के लिए, शौच के लिए। देखा राजा आ रहा है, झट बैठ गए और वही पानी अपने ऊपर छिड़कने लगे। ओ अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्था। राजा ने आके पूछा पंडित जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले महाराज ये तो कानूनी संध्या कर रहा हूँ, जब स्नान आदि कर लूंगा तब असली करूंगा, अभी तो कानूनी है। तो ये बाहर की जो रुकावटें हैं, कानून है, पुलिस है, फौज है, ये किसी के जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे हृदय में स्वयं की प्रेरणा होनी चाहिए
और स्वयं हम जैसा बनना चाहेंगे वैसा बन सकेंगे। तो ये नारायण ये तो प्रत्यक्ष ही है कि मैं ही सुखी होता हूँ और मैं ही दुखी होता हूँ। ये तो दूसरों से पूछने की बात ही नहीं है। और जब हम मन के सहित होते हैं तब सुखी दुखी होते हैं, जब सो जाते हैं तो उस समय सुख दुख का पता नहीं चलता। डॉक्टर एक गोली दे देता है, एक इंजेक्शन लगा देता है, सुख दुख का पता नहीं चलता है। तो मन सहित जो हम हैं वो सुखी दुखी होते हैं, और मन सो जाता है तो हमको सुख दुख का पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन का ऐसा निर्माण करना चाहिए जैसे घड़ी को हम बना लेते हैं कि पानी में डूबने पर खराब ना हो, वाटर को, अच्छा, और आग में पड़ने पर जले नहीं, हाँ फायर को, ये बताते हैं। और शॉक प्रूफ क्या होता है, लो। तो जैसे हम अपने घड़ी को ऐसा करते हैं ऐसे ये दिल की जो घड़ी चलती रहती है, इसको भी मैंने देखा स्क्रीन पर हिलता रहता है जैसे वो घड़ी का, वैसे हिलता रहता है। तो इसको हम ऐसा ऐसा सुरक्षित कर लें इसको कि बाहर के सुख दुख हमको प्रभावित न कर सके। तो आप सचमुच वो हैं, मैं कौन हूं पूछते हैं ना, ये आप वो हैं जिसके जीवन में हजारों सुख आए और चले गए, और रोज 10-20 बार सुख आता है और चला जाता है। और आप वो हैं जिसके जीवन में हजारों बार दुख आया और आपका बाल भी उससे बाका नहीं हुआ और चला गया। आप ज्यों के त्यों हैं, कितने दिन आए और कितनी रातें आई और चली गई, और आप ज्यों के त्यों हैं, कितने मित्र आए शत्रु हो गए चले गए उनका पता नहीं लगा, कितने शत्रु आए आपसे शत्रुता की मित्र हो गए वो चले गए। आप वो हैं जो शत्रु मित्र के जाने से गए नहीं, आप वो हैं जो सुख दुख के आने जाने से गए। ये तो एक प्रकार की मूढ़ता है। महाभारत की गायत्री बोलती है, महाभारत में चार हैं गायत्री को, भारत सावित्री बोलते हैं, शोक स्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। ये दिन भर में अनेक बार दुखी होना और दिन में अनेक बार सुखी होना ये मूढ़ का लक्षण है। जो विद्वान है जानता है कि ये तो हरिशन रोड से बह रहा है, इसमें गुंडे भी चलते हैं और इसमें भले मानुष भी चलते हैं। बंबई में होते तो कालवा देवी रोड है ना। इसी प्रकार ये सामने से महाराज सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। आप वो हैं जिनका सुख दुख जिनको कुछ भी असर नहीं डाल सकते। आप वो हैं जिनको जागने और सोने से जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप वो हैं मिलने बिछुड़ने से कोई असर नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल ठोस। मैं एक जन को जानता था बंबई, अब तो वो नहीं रहे, तो उनके घर में जुआ होता था मारवाड़ी में। वो लोगों को बुला बुला के जुआ खिलवाते थे, रोज इतना घाटा हुआ रोज इतना मुनाफा हुआ, और वो तो बिल्कुल रोज हंसता ही रहता था। उसको तो एक जुआरी को जुआ में निष्ठा थी और धन आने जाने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ये तो खेल है। तो महाराज आप वो खिलाड़ी हैं जीवन के, और वे कलाकार हैं इस जीवन के, वो नाटककार हैं आप इस जीवन के, कि हर स्वर में आप गा लेते हैं, हर ताल में बजा लेते हैं, सब प्रकार का संगीत आपके एक एक रोम रोम से निकलता है। आप वो हैं कौन जो ईश्वर को बनाकर देख लेता है और उससे काम ले लेता है। आप वो हैं जिसकी बराबरी दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आप अपनी शक्ति को देखिए,
ईश्वर की संपूर्ण शक्ति आप में भरी हुई है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दुख के निमित्त आते जाते हैं और कोई गाली देता है, कोई डंडा मारता है, कोई कुछ ले जाता है। ये दुनिया में होता रहा है, होता रहेगा। बड़े बड़े लोगों ने और हमारे शंकर के जीवन में, दयानंद के जीवन में, शुद्धानंद के जीवन में, महात्मा गांधी के जीवन में, ईशा के जीवन में कई ये बात देखने में आई तो भौतिक भौतिक चाटा लगेगा, लगता है। और कभी अपना मन गड़बड़ी करता है, आध्यात्मिक दुख के निमित्त आते हैं नारायण। कभी बिजली गिर पड़ती है, दैविक आते हैं नारायण, लेकिन मैं दुखी हूं। ये जो आप दुख का अभिमान कर बैठते हैं, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, वैसे अभिमान करते हैं कि मैं दुखी हूं। अरे भाई, वो चीज तो कहां बह के चली गई, मुर्दा बह के चला गया। अब तुम उसकी दुर्गंध जो है वो अपने दिल में बटोर बटोर के रखते हो नारायण। इसलिए तुम वो हो जिसको कोई दुख दे नहीं सकता दुनिया में, कोई न फसाद बांध नहीं सकता, कोई मूर्ख नहीं बना सकता और कोई मार नहीं सकता। आपका वो जीवन है। आप कभी जीवन की असलियत को जानने वालों का संग कीजिए, तब मालूम पड़ेगा कि असल में जीवन का क्या स्वरूप है। ये बात बात में रोना, बात बात में जरा जरा सी बात में दुखी हो जाना, तो उसने ऐसी टेढ़ी नजर से हमको क्यों देख लिया। हमारे जन्मभूमि के पास से ही, बनारस के पास ही मिर्जापुर है, सुना रहे हैं, वहां एक सज्जन आ रहे, देखा मूछ रखते थे तो उनका हाथ मूछ पर चला गया, ऐसे ही अचानक चला गया और जरा सी ऐस लिया उन्होंने। अब जो सामने आ रहा था उसने कहा, क्यों हमको देखकर मुंह ऐंठ रहे हो? करे, नहीं भाई, ऐसे ही हाथ चला गया। कहा, नहीं नहीं, हम समझते हैं। अब देखो, मुंह ऐंठा तो लो इसका नतीजा, और डंडा मारा, बेचारे का सिर फूट गया। तो नारायण, ऐसे जीवन को ऐसी जरा सी बात में सह नहीं सके, उसको बिगाड़ दिया। ये दुखी होना, सुखी होना, ये मूर्खता का लक्षण है। और दुख सुख आना ये प्राकृत है, और उसको पकड़ के बैठ जाना, मालिक बन बैठना उनका, कहिए बेवकूफी है। तो इसलिए दुख के निमित्त चाहे बाहर आवे, भीतर आवे, आसमान से आवे, आप उन दुखों के अभिमानी मत बनिए। वो रहेंगे नहीं, आप वो ऐसे असंग हैं कि कोई चीज आपके साथ चिपक नहीं जा सकती, साथ छूट के बह जाएगी। आप वो असंग हैं, आप वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, आप उस परमात्मा के अंश हैं जिससे दिव्य और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ओ शांति। आपसे अनुरोध है, 2 मिनट बैठे, शांति की।